अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनसी डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट अताउल मुस्तफ़ा। स्पोर्ट्स टॉक में सबसे पहले टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इंडिया ने एशिया कप पाकिस्तान की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा का कहना है, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करेंगे। WWE के सुपरस्टार द रॉक भी पाक भारत मैच के मैदान निकले। वर्ल्ड कप 2022 में श्रीलंका ने UAE को 78 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलवी वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों बुरी तरह नाकाम हो गई। पाकिस्तान जूनियर लीग के पहले एडिशन में ग्रुप स्टेज के मैचेस इख्तिताम पजीर हो गए। हम भी कभी क्रिकेट की कुव्वत हुआ करते थे, विविन रिचर्ड वेस्ट इंडीज की शिकस्त पर अफसरदा हो गए। सऊदी हुकूमत का फीफा वर्ल्ड कप के लिए टिकट लेने वाले मुसलमान शायकीनों के लिए मुफ्त उमरा वीजे का ऐलान। अजलान शाह हॉकी कप पाकिस्तान ने कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सबसे पहले बात हो जाए पाक भारत क्रिकेट की। इंडिया ने 2023 एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया। BCCI सेक्रेटरी जय शाह का कहना है कि पाकिस्तान के बजाय वो UAE में मैच खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे, जिसके बाद BCCI ने 2023 एशिया कप पाकिस्तान में खेलने से साफ इनकार कर दिया है। PCB चेयरमैन रमीज राजा का कहना है, अगर भारत पाकिस्तान खेले नहीं आएगा तो वो भी 2023 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेंगे, जिसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया अगर भारत मुसलसल अपनी इसी बात पर अड़ा रहा तो वो एशियन काउंसिल से भी निकल जाएंगे। WWE सुपरस्टार द रॉक का कहना है कि वो पाक भारत मैच के बहुत बड़े मदा हैं। इतवार को होने वाले पाक भारत मैच के लिए उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो मैच को देखेंगे और साथ में वो इस मैच को इंजॉय भी करेंगे। अब बात हो जाए फुटबॉल के मैदान से। सऊदी हुकूमत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में जाने वाले मुस्लिम फैंस के लिए एक साल तक का मुफ्त उमरा वीज़े का ऐलान किया है और हया कार्ड रखने वाले मुसलमान एक साल तक कहीं भी सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं। स्पोर्ट्स टॉक में आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अताउल मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अपने कीमती राय और फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।